तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? अमर, एक बार अपनी औकात को तो देखते तुम। मैंने यहाँ पे कम से कम 5 दिन का स्टे किया होगा, तो कुल मिला के आई फील 20,000 के आसपास होना चाहिए। हम मेहमानों से पैसे नहीं लेते। अमर, हमेशा तुम्हारा रहेगा। अरे क्या कर रही हो कामना? एक ही रात में काफी नजदीकियां आ गई हैं दोनों के बीच। मैं दूंगी, मैं पूरा पैसा डिपॉजिट करवाऊंगी, आप बस इलाज शुरू करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारी मजबूरी का एहसास हो गया और आपने बिन पैसों के इलाज शुरू कर दिया। धन्यवाद आप मुझे नहीं बल्कि अपने उन रिश्तेदार को करिए जिन्होंने वक्त पर आकर पैसे जमा कर दिए। लेकिन डॉक्टर साहब, उन्होंने अपना नाम बताया था, वो दिव्या। दिव्या अपना पता छोड़ कर गई है वो हमारे पास, अगर बाद में और पैसे की जरूरत हो तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए। उन्होंने 50,000 रुपए डिपॉजिट किया है, ये लीजिए उसकी रसीद। दादा पर यकीन है तो ये इलाज विलाज सब बंद करवा दे। हम डॉक्टर साहब को भूलकर ये सब बंद करवा दे। कहे कि जो इलाज में जो पैसा लगाया है वो पैसा दिव्या जी ने लगाया है, और तू जानता है कि वो पैसा हराम है हमारे लिए, तू जानता है ना चिंटू? तू चिंता मत कर। अरे अगले हम है ना, हम किसी भी तरह पैसे लाएंगे, अपने आप को बिकवा देंगे, अपनी बोली लगाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसे हम लाएंगे। कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं। तू आराम कर, हम थोड़ी देर में आते। ये रसीद लीजिए, रद्द कीजिए और पैसे लौटाइए। ले लीजिए। मैडम जी, शायद आप कुछ भूल रही हैं। नहीं तो we'll be right back.
हमने कहा था कि हम गरीब हैं, भिखारी नहीं। नहीं चाहिए अपनी खैरात, उठा लीजिए इसे। और हां, अमर सिंह दरफाद में बहुत दम है कि वो अपने भाई का इलाज खुद करवा सके अपने बलबूते पर। चिंटो, किसी गैर के रहम की जरूरत है। चाय सक की। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सब कुछ तो मेरे हिसाब से चल रहा है, तो फिर ऐसा सपना क्यों आया? मुझे गुरुजी से बात करनी होगी। She comes. Have you been, sweet? This for you. Can I? Ah, so. Aja, kaisa raha sabar? Acha tha. Hey Diva, I'm really very sorry. I mean, tum wahan dangon mein thi aur main tumhe lene bhi nahi aa sakta. Lekin mera yakeen mano, all that while, us pure waqt bhi mujhe sirf tumhari hi chinta rehti thi. Aise दंगों में काफी परेशानी हुई होगी ना? नहीं। वैसे ये अमर कौन है?
अमर बनारस में मेरा गाइड था बस। ओह लाइक दैट, मुझे तो लगा था कि डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम वापस आ गई हो एंड ट्रस्ट मी, बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें वापस देखकर कितना खुश हूं सीरियसली। वैसे बनारस कैसी जगह है? आई मीन मैं कभी गया नहीं, सुना है काफी शोर शराबे वाली, मतलब दिन रात नाच गाना, बड़ी तंग सी गलियां। आई मीन इट्स अ स्ट्रेंज प्लेस इजंट इट? पैसे का इंतजाम कहां से करेंगे? अरे अगर समय पर अस्पताल में पैसा जमा नहीं करवाया गया तो चिंटू की हालत बिगड़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। और ये तुम्हारे लिए ये हमारा बड़ा बेटा, हमारा अमर, ये त्रिपाठी। जय शंकर। ये तीसरा कमरा, ये कमरा बाकी दो कमरों से छोटा है, अगर रोशनी बहुत है। वैसे ये कमरा भी अच्छा ही बना हुआ है जी,
अब सूर्य की पहली किरण इसी कमरे में आती है और हवा भी बहुत है। आइए मैं बाहर दिखाता हूँ। बाहर देखिए, बाहर बैठने की बहुत अच्छी जगह है। ठीक है पंडित जी, मुझे एक दो दिन का समय दीजिए सोचने का। ठीक है त्रिपाठी जी, जय श्री शंकर। त्रिपाठी जी कौन थे और आप ही ने हमारा घर क्यों दिखा रहे थे? बेटा वो अपना घर खरीद रहे हैं। घर खरीद रहे? अरे पर काहे? चिंटू के इलाज के लिए तुम्हारे बाऊजी ने घर को बेचने का फैसला किया है। हमने तो इनसे मना भी किया कि घर मत बेचिए, पुरखों की निशानी है, बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं इस जगह के साथ। शांति, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अब बेटे या घर किसी एक को ही चुन सकते हैं। अरे बाबूजी आप ऐसी बातें काहे कर रहे हैं? हम हैं ना, हम जिंदा हैं। चिंटू कुछ नहीं होगा, हम वादा करते हैं। पैसों का इंतजाम हम करेंगे, हम खुद करेंगे। हमारे बेटा तब तक बहुत देर हो जाएगी। बात तुम पर अविश्वास करने की नहीं है, लेकिन हम चिंटू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसे खतरे में नहीं डाल सकते। तो अब तुम्हें बुरे सपने फिर से आने लगे हैं। हाँ गुरुजी, पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार वही सपना दिखाई देने लगा तो मुझे लगा कहीं कोई अपशकुन तो नहीं है, कहीं कोई आने वाली मुसीबत का संकेत तो नहीं। क्या मतलब हो सकता है इन सपनों का? मेयर की गद्दी खतरे में है सिंदूरा। आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? ऐसा क्यों होगा? इस मुश्किल का कोई तो हल होगा गुरुजी। आप मुझे बताइए गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, कोई तो उपाय होगा। इसका एक ही उपाय है सिंदूरा, कुछ मत करो। तुम्हारे करने से कुछ होगा भी नहीं। अगले 15 दिन चुपचाप बैठकर विधाता की लीला को देखो। इस कृष्ण पक्ष के 15 दिन तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है सिंदूरा। अगर इस कृष्ण पक्ष से तुम बच गई तो उसके बाद तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, वरना इस कृष्ण पक्ष से तुम्हारा विनाश काल आरंभ हो जाएगा। मुझे किससे खतरा हो सकता है? कौन है जो जो मेरे लिए खतरा बनकर आ रहा है? कौन है? एक कन्या। वो तुम्हारे विनाश का माध्यम बनेगी। कौन है वो कन्या? कहां से आने वाली है?